सो हे व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेडमी के किसी भी फ़ोन को हार्ड रीसेट कैसे करते हैं। जैसे कि आपका फ़ोन जो है लॉक स्क्रीन हो गया, या आपने पासवर्ड भूल गए हो, या फिर आपने फ़ोन को कहीं से पाया हो, तो आप चाहते हो कि घर बैठे अपने फ़ोन को रीसेट हार्ड रीसेट कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में सीखोगे कि रेडमी के किसी भी फ़ोन को हार्ड रीसेट कैसे करते हैं। ओके गाइस, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करके दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है ना कि आपके मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 5 सेकंड वेट कर लेना है। वेट करने के बाद गाइस देखिए, आपको एक साथ जो है वॉल्यूम बटन, ऊपर का वॉल्यूम बटन और जो है पावर बटन को एक साथ प्रेस करना है। मतलब कि 5 सेकंड तक आपको प्रेस किए रहना है। ओके, ऊपर का वॉल्यूम बटन और पावर बटन को एक साथ आपको प्रेस करना है। 5 सेकंड तक आपको प्रेस करते रहना है। उसके बाद आपको फिंगर को प्रेस करने के बाद आपको हटा देना है। ओके, तो आपको देखिए स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन आएगा। तो देखिए इधर ऑप्शन आएगा ऊपर में, रिबोट वाइप डाटा। ओके, तो आपको देखिए वॉल्यूम बटन से डाउन ला के जो है वाइप डाटा पे क्लिक कर देना है। ओके, वॉल्यूम बटन से डाउन लाना है आपको। इसके बाद आपको पावर बटन पे फिर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद दोस्तों देखिए ऑल डाटा, वाइप ऑल डाटा पे आपको जो है पावर बटन प्रेस कर देना है डायरेक्ट। ओके, आपको प्रेस कर देना डायरेक्ट। उसके बाद इधर ऑप्शन आएगा कैंसिल और कंफर्म, तो आपको वॉल्यूम बटन से डाउन लाना है। तो उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करके आपको जो पावर बटन को प्रेस कर देना है। तो आपका फ़ोन जो है हार्ड रीसेट हो रहा है। आपको 5 से 10 सेकंड वेट कर लेना है तो आपका फ़ोन एकदम नया हो जाएगा। आपने अगर कहीं से पाया था या फिर आपका स्क्रीन लॉक हो गया था तो आपका फ़ोन रीसेट जो है हार्ड रीसेट हो चुका है। ओके, तो गाइस ठीक इसी तरीके से अपने रेडमी के किसी फ़ोन को हार्ड रीसेट कर सकते हो। ओके, एक दो बार कर दोगे तो आपका वायरस भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो गाइस ठीक इसी तरीके से अपने रेडमी के किसी भी फ़ोन को हार्ड रीसेट कर सकते हो, अगर आपने रेडमी का फ़ोन पाया है या फिर आपका रेडमी का फ़ोन का लॉक स्क्रीन हो गया है तो। ओके, अगर दोस्तों आपको रेडमी के किसी भी फ़ोन को हार्ड रीसेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सभी वीडियो में कमेंट का रिप्लाई और प्रॉब्लम का सोल्यूशन कमेंट के थ्रू बता देता हूं। ओके गाइस, तो ये वीडियो मेरी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके, तो चलिए एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।